कौन सी टोपी है वो? डॉक्टर वाली। गाइस अस्सलाम वालेकुम, हम लोग ऊपर जा रहे हैं छत पे चांद देखने के लिए। रोजों का मुबारक सा चांद देखने जा रहे हैं हम लोग ऊपर, सब लोग जा रहे हैं। स्वागत है आप सभी का जिंदगी खट्टे मीठे सफर के न्यू व्लॉग में। तो गाइस अभी हम लोग छत पे आए हैं चांद देखने के लिए, क्योंकि मगरिब का टाइम हो रहा है और हमें आज रोजों का चांद दिखने वाला है। तो हमें नहीं, सबको ही दिखने वाला है। तो इसलिए हम लोग छत पे आए चांद मामू देखने के लिए। बचपन में कितना अच्छा बोलते थे हमें, चलो चलो चांद मामू देखने जाएंगे। अब भी ना अम्मी भी आज हमको वही बोल के लाए, चलो चलो चांद मामू देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस रमजान शुरू हो जाएगा अब। हाँ अभी कल से होगा ना, अब आज सहेली होगी, कल से इफ्तारी होगी, फिर इबादत होगी। नहीं इबादत होगी, ये ऐसा चीज है जो बोल के नहीं दिखाना, इबादत की बात मेरे दिल के हिसाब से। तो इबादत अपनी छुपा के रखो तो अच्छा है, अल्लाह को दिखे तो बहुत बेहतर है। तो मेरी जो इबादत है मैं किसी से नहीं बोलती, किसी से नहीं बताती, तो इबादत भी चलेगी, सब कुछ चलेगी। तो आज से अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक महीना शुरू होने वाला है, तो कल से हम लोग ना कैसे बोलेंगे ना, रमजान के सफर में आपका स्वागत है बोलेंगे। चलिए हम वेट करते हैं चांद आने का, फिर उसके बाद फिर शुरू करेंगे व्लॉग। तो ये देखिए चांद तो नहीं दिखा पर एक तारा दिख रहा है गाइस, ये देखिए एक तारा तो दिख रहा है पर चांद मामू अभी नहीं दिखे हैं, उसी तारे के जस्ट ऊपर और एक तारा है। तो गाइस चांद तो नहीं दिखा हमें, हम लोग नीचे जा रहे हैं अभी, ये हमें बस एक तारा दिखा है। गाइस आवाज कम करो, क्या हुआ गाइस? कपड़ों की हालत क्या है गाइस? वो बोलो हाँ? क्या है ये लेगिंग्स वाइट? ओ चांद रात द्रा। जैसे कि आप लोग सुन सकते हो गाइस सेरन हो रहा है, इसका मतलब रमजान शुरू हो चुका है। तो आप लोगों को बहुत बहुत रमजान के रोजे मुबारक हो गाइस, बहुत अच्छे से आप लोगों के रोजे गुजरे, ठंडे गुजरे और खूबसूरत इबादतों के साथ गुजरे। तो बहुत बहुत तहे दिल से आप लोगों को रमजान की मुबारकबाद देती हूँ। और चलिए मैं मिलती हूँ अपने घर वालों से, आपके लिए भी बहुत बहुत मुबारकबाद दे चुकी हूँ। अभी अम्मी शायद ऊपर गए होंगे, क्या हुआ दिखा चांद? बस सहरन हो गया है गाइस, इसका मतलब हमारा रमजान शुरू हो चुका है। अब रात में सहरी होगी तो हमारी व्लॉगिंग भी सहरी में होगी कंटिन्यू। चलो सीधा करो बा, अच्छा बोलो ये लो रोजे। सो गाइस देखिए हमसे मिलने कौन आए हैं, हमारे आंटी। तो ये हमें मतलब वो बाहर निकले थे तो बच्चों के लिए बहुत सारे गिफ्टों के साथ वो घर आए, फिर बच्चों का फेवरेट वाटरमेलन लेकर घर को आए। तो क्या खाए आप, क्या दिए लाला दादी आपके लिए, क्या लाए? वाटरमेलन। बोलो तो सही, बोलो। अच्छा बुआ को बोलो, बुआ देखो दादी हमारे लिए क्या लाए, भजिए लाए, वाटरमेलन लाए। हाँ तो फ्रूट्स लेकर आए हैं आंटी बच्चों के लिए और हमसे रोजों के मतलब रोजों की मुबारकबाद देने। मतलब वो बाहर निकले थे और बाहर निकल के ना यहीं आ गए, अभी वो जा रहे हैं। चांद मुबारक सबको हमारे तरफ से, सबके रोजे अच्छा गुजरे, हर कोई आपकी इबादत में हम लोगों को भी शामिल करना और हम लोगों के लिए भी दुआ करना। हम भी आप लोगों के लिए, हमारी YouTube फैमिली के लिए दुआ करेंगे और पूरी हमारी YouTube फैमिली मुझे सब्सक्राइब करते करते मुझे दुआ करे। चलिए मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे।
सो गाइस, हम लोग अभी सहरी के लिए उठ गए, मतलब मैं तो सोई नहीं थी, मैं उशारी थी। शब्बीर अब भी सोए हैं क्योंकि शब्बीर अब तक मेरे साथ उशार थे, बात कर लेते, फ़ोन में देख लेते, और अभी शब्बीर सो गए हैं और मैं जा रही हूँ आटा गूंदने के लिए, और बच रहा है दो। मैं सोई नहीं, और मैं मतलब ब्लॉग की एडिटिंग कर रही थी, एडिटिंग करते करते मतलब इतना टाइम हो गया। अभी मैं जाऊँगी और आटा गूंदूँगी, फिर उसके बाद सहरी का टाइम होगा, उठूँगी रोटी वगैरह बनाऊँगी, रोटी वगैरह बनाने के बाद मम्मी को उठाऊँगी। देखते हैं, क्योंकि अम्मी पहले ही उठ जाते हैं, मतलब उनको पता होता है, और वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह वो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो पहले ही उठ जाते हैं। चलिए अभी हम आटा गूंदते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, मैंने आटा गूंद के रख दिया है और मुझे करना है थोड़ा काम, क्योंकि ये देखिए आंटी आ गए थे ना, तो मैं मतलब खाना बनाई थी और जल्दी जल्दी निकल गई बस उनके साथ, क्योंकि हम लोग वो जब घर वापस जाते तो उनके साथ ही चले गए थे, और हमेशा उनके साथ ही जाते हैं उनको घर छोड़ने के लिए। तो हमारा नज़दीक में ही है घर, एक 5 किलोमीटर उतना ही दूर पे है आई थिंक सो, मुझे उतना मतलब नहीं मालूम कि 5 किलोमीटर या 1-2 किलोमीटर दूर। तो हम लोग उनके साथ चले गए थे, सो आने के बाद फिर मेरा काम कैसे का वैसे ही था। तो ये देखिए मेरा काम, देखिए अभी ये सब कुछ सहरी करने के बाद सब कुछ क्लीन करूँगी, और फिर अलीज़ा को तैयार करूँगी, फिर फजर की नमाज़ पढ़ूँगी, सजाऊँगी। सो ऐसा करने से ना गाइस हमारा काम बहुत हल्का हो जाता है, क्योंकि हम ऑलरेडी सहरी करके कैसे भी होशियार रहते फजर की नमाज़ तक, तो हमारा काम इतने में पूरा ख़त्म हो जाएगा, और हमें थोड़ा सुबह टाइम मिलेगा सोने के लिए, और फिर उसके बाद उठे तो फिर सोते नहीं अपन, जोहर की नमाज़ रहती है, फिर जोहर की नमाज़ के बाद फिर कुछ भी हमें पढ़ना रहता है, उसके बाद फिर हम इफ्तारी के लिए खड़े हो जाते हैं चूल्हे के पास, तो फिर हमें टाइम मिलता है मगरिब के बाद, जब इफ्तारी ख़त्म हो जाती है तो ईशा के बाद ही हमें थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, उसके बाद भी मतलब कोई हिली हिली चांदी चांदी आर यू हियर नो कहते जल्दी आ जी चलो बोलो चांदी चांदी आ बोलो जी फू क्या बोल हिली ना वो फू क्या तू नहीं बा आ चल बोलो मैं बोलो बोलो से फिर आनी चार तुम यहाँ हो कौन सी टोपी है वो डॉक्टर वाली डॉक्टर वाली अच्छा अनंत डॉक्टर की टोपी टोपी क्या चल रही जी बुलबुले बुलबुले अच्छा दही वड़े बना रहे हैं अपन आप तैयार नहीं है दही वड़े बना रहे होंगे क्या नहीं है शब्बीर अपन दही वड़े बना रहे हैं शब्बीर अपन दही वड़े बना रहे याद आया अब हाँ। तो हमारे बन रहे हैं दही वड़े ये देखिए पानी में भिगा के रखी मैं जैसे ये होते रहता वो भी करते रहते साइड में उसका भी काम होता था मुर्गी को चोरी आया था पहले कितना छोटा रे पैसा भी रहता है पैसा भी रहता चोलिया आता था तो खाए तो फिर अपन मुर्गी हुआ था कि पका दे रहे ना जी आते वक्त कुछ नहीं आता मतलब क्या आया पोलियो आया क्योंकि पोलियो आया करते हैं इसलिए टांगा छोटा है उसके लेकिन सांभर रहना जिंदगी जिंदगी तेरे गम में हमें रिश्ते नए समझाए बोली क्या है ये देखिए गाइस हमारे जो दादी वाले मैंने हमारी इफ्तारी भेजी है पहले रोजे की गिफ्ट पहले रोजे की पहली इफ्तारी
माशाल्लाह अच्छा सजा रहे। अनाम अनाम हटो, ये तो बहुत बड़े रोजगार है अनाम अलीजा। ये क्या है जी? आपको मुझे जाना था तो मैं घर के छूट के उसे बना दे रहा। परवा ने आपको लाहारी मिर्च खाने की आदत है ना? अभी मोटे मिर्च यहाँ प्रेजेंट नहीं है, क्या करूँ? हर चीज आइडिया से पकाते महक। क्या बोलते महक? दिमाग बहुत फास्ट हो जाता है महक का। जब तुम पसंद करे खाने के लिए कोई भी चीज़ और मैं नहीं बनाऊँ ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप सुबह से बोलते थे तो मंगा लेते थे मैं मिर्ची बाहर से। अब आयो आता था थोड़ा मिर्ची है बोल के इसलिए बोला मैं। इधर आओ मेरे पास। ये की पकौड़ी। सो गाइस हमारी इफ्तारी बन चुकी है। ये देखिए हमारे बड़े रोजदार फिर से बैठ गए दस्तर पे। कितना रोजा लग रहा बेटा आप लोगों को? पांच बार लग जा रहा। तो ये हमारे जहीर की स्पेशल डिश है रू अफजा, जो हमारे घर में हमारे जहीर ही बनाते हैं। उनके ही हाथ का अच्छा दिखता हम लोगों को, सबको हमला बनाए तो हमारे को अच्छा नहीं दिखता। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस हमारी तैयारी का टाइम भी हो चुका है। ये देखिए 6:30 हो रहे हैं, अभी सहरन होगा तो अभी मैं जाऊंगी वजू बना के आऊंगी और बैठूंगी। तो अल्लाह करे हर घर में इसी तरह से दस्तर हो, अल्लाह करे हर किसी के पास इसी तरह की बरकत हो। ये होता है माँ और बच्चों का प्यार। ये देखिए जानवर में भी कितनी ममता भरी होती है, अपने बच्चों के बगैर नहीं खाते। हे गाइस चलिए व्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट रेसिपीज। एंड चाहे तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज चाहिए, अगर मतलब मेरे हाथ की रेसिपीज कैसी होती है शबीर? जबरदस्त बढ़िया। हाँ क्योंकि जो मेरे भाई है उनके पूरे दोस्त मतलब जहीर के पूरे दोस्त को मेरे हाथ की हर चीज़ पसंद आती है, चाहे वो बिरयानी रहो चाहे किसी भी तरीके का सालन रहो या फिर कुछ भी जो भी मैं बनाती हूँ उनको बहुत पसंद आता है। और मेरे हाथ के दही बड़े और सब कुछ ऐसा कौन सा भी नहीं है जिसके मेरे हाथ का पसंद ना आए। तो अगर आप लोग इस रमज़ान में रेसिपीज चाहते हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना आप लोग, मैं आपसे आपकी अपनी रेसिपी शेयर करूँगी। और वैसे मेरा रेसिपी का चैनल नहीं है, व्लॉग का है, पर इस रमज़ान में आपके साथ सिर्फ रेसिपीज़ भी शेयर किया करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के नए नए चीज़ों के साथ। तो चलिए अभी हम व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।